नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मस्जिदों से निकल रहे मंदिर और विवादित स्थलों को लेकर कहा है कि इतिहास को सही तरीके से पढ़कर उसे समझना होगा। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद भारतीय सभ्यता निखर रही है, मुगलों ने हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया था, अब समय आ गया है कि जिसकी अमानत है उसे सौंपने की जरूरत है। तो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से अब कई अहम खुलासे हो सकते हैं जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही है, तो उसको लेकर ये विजयवर्गीय का बयान है। आपको बता दें, विजयवर्गीय ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद से विजयवर्गीय ने कहा है, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुगलों ने हमारे आत्मसम्मान से खिलवाड़ किया है, इसके साथ ही और पीएम मोदी के आने के बाद से भारतीय सभ्यता जो है निखर रही है। देखिए, ऐसा है कि हमें इतिहास के पन्नों को सुधारना पड़ेगा। इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को दबाया गया है वो अब अपने आप निखर रही है। मोदी जी के आने के बाद लोगों को पता लगा, आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो सारे दस्तावेज मिले हैं जो शिव मंदिर में होना चाहिए। तो मुगलों ने आकर यही किया था, सिर्फ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर हमला किया था, और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं समझता हूँ कि खुद लोगों को बोल देना चाहिए कि हाँ, इतिहास में यह मंदिर था, जिनका मंदिर है उन्हें मंदिर मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमें इतिहास के पन्नों को सुधारना पड़ेगा। इतिहास में जिस तरीके से भारतीय सभ्यता संस्कृति को दबाया गया है वो अब अपने आप निखर रही है मोदी जी के आने के बाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।